जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए एंड बेहतर वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को अतुल मैसूरी परीक्षा 2024 के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसका जवाब आप लोगों को मिल सके। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा कब तक होगा, उसके साथ साथ समझेंगे एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। एंड इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने एकेडमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक इस परीक्षा के लिए तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप लोगों को क्या करना है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आपने ये जो रास्ता चुना है बहुत ही अच्छा चुना है, कि इसमें अगर आप लोग एक बार भटक गए तो इस एग्जाम में सफल होना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने रास्ता में टिके रह गए तो आप लोग इस एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें तमाम मुद्दों पर बात करते हैं ताकि आपके मन में जो भी डाउट उठ रहे हैं उसका समाधान हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग का परीक्षा कब होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोग का जो एग्जाम होगा ना, बहुत जल्दी डेट अनाउंसमेंट होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग का नवंबर मंथ में आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग का जो एग्जाम है वो नवंबर मंथ में आप लोग का लिया जाएगा, है ना। हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ले लिया जाए या फिर हो सकता है कि सेकंड वीक में ले लिया जाए, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग का जो एग्जाम है वो नवंबर मंथ में होगा। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही कोई ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट हो जाता है मैं सबसे पहले वीडियो बना करके आप लोग को बता दूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई क्लियरली डेट नहीं बता रहा कि इस दिन को होगा, लेकिन अभी तक डेट आया ही नहीं है, ठीक है। जैसे डेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान में थे जिस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे डेट घोषित होता है सबसे पहले मेरे चैनल पर वीडियोज आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम डेट घोषित हो जाता है तो एग्जाम की जो है 7 दिन पहले, ठीक है, यानी कि 1 वीक पहले आप लोग का एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात करें तो कब तक आएगा, तो 1 वीक पहले आप लोग का एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी को एकदम बरकरार रखो, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे तरीके से करना है। एग्जाम कब होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी आप लोगों को तैयारी पे टिके रहना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि समय भी अच्छा खासा दिया गया था, तो आप लोगों को दोस्तों अभी तक तैयारी में नहीं जुड़े हैं तो तैयारी में जुड़ जाइए। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑफिशियली ग्रुप में जो है जुड़ चुके हैं और अपना टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोग भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। एंड उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के काफ़ी सारे प्रोसेस है, यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस भी बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, डाउनलोड करने का सबसे पहला प्रोसेस है आप लोग का जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप लोगों को सबसे पहले मेल कर दिया जाएगा, लिंक वहां पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। एंड यहां पर बात करते हैं दूसरा तरीका की, ठीक है। तो दूसरा जो प्रोसेस है जो कि है अमर उजाला की ऑफिशियल साइट से जो है आप लोग इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। तो जैसे आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, परेशान आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक तैयारी नहीं किए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने बोर्ड एग्जाम पर थोड़ा सा बिजी थे लेकिन इसकी तैयारी छोड़ दिए थे, तो अभी भी अगर आप लोग जाग जाते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आपके पास अभी काफी सारा समय है तो अगर अभी तक जाग जाते हो तो आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिशन से भरा होता है, ठीक है। अगर आप अपने रास्ते से भटक गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने रास्ते में टिके रह गए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं तैयारी करने के यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगा कि स्टूडेंट्स आप बात करते हैं तैयारी आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी जो है हमारे चैनल के द्वारा एक बुक क्रिएट किया गया है, ठीक है। वो कौन से विषय पर आया है, तो अभी हिंदी विषय पर आया है, ठीक है, अभी हिंदी विषय पर आया है। एंड जो है इसके साथ साथ, ठीक है, ये जो हिंदी विषय है इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, और टेस्ट सीरीज के अंदर, जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज के अंदर सभी सब्जेक्ट कवर होंगे, चाहे आपका जीके हो, ठीक है, हिंदी हो, ठीक है, चाहे जीके हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, सभी सब्जेक्ट इसमें क्या रहेंगे, आप डेली के डेली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। डेली जो है टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, अभी तक काफी सारा टेस्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग हिंदी बुक को जो है बाय कर लेते हो तो आप लोगों को जितना टेस्ट हो चुका है वो भी आपको आंसर की के साथ पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अभी जो हिंदी बुक का प्राइस है जो कि अभी 30 रुपया, एकदम मिनिमम फीस ना 30 रुपया चल रहा है, ठीक है। 30 रुपये से आप लोगों को हिंदी बुक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी का कंप्लीट सिलेबस इसमें है ना, अगर आप लोग अभी ले लेते हो तो आप लोग के लिए बढ़िया है। एंड बहुत जल्दी है ना, मैं आपको बता दूँ, बहुत जल्दी रीजनिंग का भी बुक आ सकता है, ठीक है। ये मे भी एक चांसेस है कि बहुत जल्दी मैं रीजनिंग का भी बुक आप लोगों के लिए जो है पब्लिक कर दूँ, तो रीजनिंग का भी बुक जल्द ही आएगा, लेकिन अभी हिंदी का आया हुआ है तो आप हिंदी का ले लीजिए। उसके साथ टेस्ट सीरीज में सभी सब्जेक्ट आपका कवर ही हो रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या दिक्कत, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बुक को बनाने में काफ़ी सारा
मेहनत लगता है। एंड देखिए हमारा भी थोड़ा सा भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण से भी अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे हमें भी अच्छा लगेगा। और मैं 5 गुना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग हमें हेल्प करेंगे उससे 5 गुना हेल्प मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करें मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। 20 रुपये का पेमेंट जो है आप करके आप हिंदी का बुक ले सकते हैं, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं, और बहुत जल्दी रीजनिंग का भी बुक आएगा, उसका भी जो है आप लोगों को मिनिमम फी पे दिया जाएगा, है ना। बुक का भी एकदम मिनिमम है, आप लोग इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं मेरा नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर को आप लोग नोट करके आप मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर क्या है, 9341579611। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार नोट कीजिए, 9341579611, ठीक है। इस नंबर पे मुझे एक बार कॉल कर लेना है, ठीक है। आप लोगों को जस्ट इस नंबर पे जो है ना 30 रुपये का अभी पेमेंट करना है, तो हिंदी का बुक मिल जाएगा और साथ ही साथ ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा ताकि आप टेस्ट दे सकें, ठीक है। और बहुत जल्दी रीजनिंग का भी अगर बुक आ जाता है तो वो भी मिनिमम फी आप लोगों को दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज ही इसको बाय करके अपना टेस्ट सीरीज में भाग लें ताकि आपने आपकी जाँच कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।